हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विविंग टेक्नीशियन का टॉपिक 70 लेके आया हूँ, जो है अबाउट द टाइप ऑफ द क्रिल। बराबर, जो वार्पिंग सेक्शन में जो क्रिल यूज होती है वो क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे क्रिल के बारे में, बाद में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्रिल। बराबर, क्रिल किसे बोला जाता है, व्हाट इज अ क्रिल। बराबर, तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज अ क्रिल। द क्रिल द थ्रेड्स आर फेड फ्रॉम द बॉबिन प्लेस ऑन क्रिल। बराबर, द थ्रेड्स आर फेड फ्रॉम द बॉबिन प्लेस ऑन द क्रिल। बराबर, बॉबिन प्लेस ऑन द क्रिल, कहाँ पे बॉबिन, कहाँ पे मुकते हैं हम, क्रिल पे। बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, जो बॉबिन हम रखते हैं जिस पोजिशन पे, बराबर, उसको क्या बोलते हैं, क्रिल। बराबर, द क्रिल्स आर सिंपली मेटालिक फ्रेम ऑन विच द फीडिंग बॉबिन्स आर फिटेड। बराबर, क्रिल क्या होती है, मेटालिक फ्रेम होती है। क्या होता है क्रिल में, क्रिल्स आर सिंपली मेटालिक फ्रेम। क्या होता है क्रिल में, मेटालिक फ्रेम होता है जिसके ऊपर हम बॉबिन को फीड करते हैं या बॉबिन को रखते हैं। बराबर, दे इक्विप विद द यार्न टेंशनिंग डिवाइस। बराबर, इसमें क्या होता है क्रिल में, यार्न टेंशनिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, यार्न टेंशनिंग डिवाइस, विच इज इन द मॉडर्न मशीन्स आर प्रोवाइडेड विद द ऑटोमेटिक कंट्रोल। बराबर, अब क्या होता है, जो मॉडर्न मशीन होता है उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। बराबर, द क्रिल कैपेसिटी अमाउंट टूडे इज 200 to 1200 बॉबिन्स। बराबर, क्रिल कैपेसिटी क्या है कि जो क्रिल में हम जितने बॉबिन रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिल कैपेसिटी। तो ये क्रिल में अब जो मॉडर्न क्रिल आती है उसमें कितने बॉबिन रख सकते हैं हम, 800 to 1200 तक। बराबर, समझ गए। बराबर, तो अब हम आप ऊपर का समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बराबर, तो हम समझेंगे टाइप्स ऑफ क्रिल, बस क्रिल कितने प्रकार की है वो हम समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्रिल में क्या आएगा, मोबाइल क्रिल, फिर मैगजीन क्रिल, फिर सीवेल फ्रेम क्रिल और वी शेप क्रिल। बराबर, इतनी क्रिले हैं। बराबर, अभी भी मोबाइल क्रिल यूज होती है, मैगजीन क्रिल यूज होती है, सीवेल क्रिल यूज होती है, वी शेप, और सबसे ज्यादा कौन सी क्रिल यूज होती है, वी शेप क्रिल। बराबर, तो हम अब जो चली गई है, जो मोबाइल क्रिल है, जो ओल्ड सिस्टम में यूज होता था वो कैसा होता था वो हम समझेंगे। बराबर, तो यहाँ पे चलते हैं, हम पहले क्या समझेंगे, मोबाइल क्रिल। बराबर, मोबाइल क्रिल है क्या, दिस क्रिल टाइप्स इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड। बराबर, ये क्रिल क्या है, स्टैंडर्ड है। बराबर, द क्रिल बट इट इज फॉर्म बाय द ट्रॉली विच कैन बी टेकन इंडिविजुअली आउट ऑफ द क्रिल। बराबर, इसमें क्या होगा मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जो फिगर पीछे मैंने ड्रॉ किया उसमें आपको समझाता हूँ, पहले ये समझ। दिस क्रिल टाइप्स इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड क्रिल। बराबर, क्या है, स्टैंडर्ड क्रिल, बट इज फॉर्म बाय द ट्रॉली विच कैन बी टेकन इंडिविजुअली आउट ऑफ द क्रिल। भाई, इसमें क्या होगा, एक ट्रॉली होगी, ट्रॉली के ऊपर बॉबिन होगा। बराबर, उसको जो क्रिल होगी उसमें क्या करेंगे हम, उसमें थ्रेडिंग करके बाहर थ्रेड लाएंगे। बराबर, दिस बॉबिन्स आर क्रिल अपॉन ईच ट्रॉली। बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है, द बॉबिन आर क्रिल अप। बराबर, क्या किस पे लगाएंगे, ट्रॉली पे, आउटसाइड ऑफ द क्रिल। बराबर, वो ट्रॉली कहाँ होगी, आउटसाइड ऑफ द क्रिल। बराबर, जो यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये पूरी क्रिल है। बराबर, उसमें क्या है? हमने डाला है ये ट्रॉली 1, ट्रॉली 2, ट्रॉली 3, ट्रॉली 4। बराबर, अब क्या क्या बाहर हमने तैयार रखा है, जो थ्रेडिंग करके ट्रॉली को बॉबिन उसके ऊपर डाल के हमने क्या रखा है, तैयार रखा है। बराबर, 2 ट्रॉली तैयार रखा है, यहाँ पे हम 4 ट्रॉली क्या करते हैं, रिजर्व रख सकते हैं थ्रेडिंग बॉबिन ट्रॉली पर डाल के। बराबर, यहाँ पे क्या है, रनिंग है। बराबर, बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस द कंसिडरेबली द वेटिंग टाइम। इससे क्या होगा, हम ट्रॉली निकालना है, दूसरी डाल देंगे, तो हम लोग क्या होगा, जो हम थ्रेडिंग करने, जो बॉबिन डालना है ट्रॉली पे, उसका टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बराबर, अब चलते हैं हम मैगजीन के, अब इसमें डायग्राम में समझा देता हूँ, ये क्या थी, क्रिल थी। बराबर, ये ट्रॉली थी, ट्रॉली पे क्या डाला गया है, बॉबिन। बराबर, यहाँ पे भी ये ट्रॉली, ट्रॉली के ऊपर क्या डाला गया है, बॉबिन, समझ गए। बराबर, ऐसी क्रिल होगी। बराबर, अब हम समझेंगे मैगजीन की, मैगजीन की, दिस काइंड ऑफ द क्रिल इज यूज व्हेन द सर्वर वाल्व ऑफ सिमिलर टाइप मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सीक्वेंस। बराबर, यहाँ ये मैगजीन क्रिल कब यूज होगी,
जब हम सिमिलर टाइप्स ऑफ द वर्ब यूज हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सेम सेम टाइप ऑफ द यान यूज होगा, बराबर सेम काउंट ऑफ द यान यूज होगा या सेम कलर का यान यूज होगा, तो हम ये मैगजीन के लिए यूज कर सकते हैं। When the large lot of the similar yarn need to be proceed, then this type of trail is used. बराबर हमको क्या करना है, When large lots of the similar, एक तरह के कई सारे yarn bobbing को हमने use करना है, तो हम क्या करेंगे, ये magazine thread use करेंगे। यहाँ पे क्या है, टू बॉबिन आर पोजिशन, क्या इसमें टू बॉबिन है, क्या कितने बॉबिन है, टू बॉबिन है, कौन वन है, ऑपरेटिंग बॉबिन जो अभी चल रहा है, दूसरा क्या है, रिजर्व, जो रिजर्व में रखा गया है, बराबर ये मैगजीन क्रील है, बराबर ये कौन है, ये या इसके ऊपर यान बाउंड किया गया है, बराबर यहाँ पे ये जो चल रहा है ऑपरेटिंग बॉबिन है, बराबर और ये रिजर्व बॉबिन है, बराबर ऑपरेटिंग बॉबिन और रिजर्व बॉबिन उसका लास्ट एंड और इसका जो बाहर का एंड है, बराबर इसके बाहर का एंड है उसको क्या करेंगे, हम नॉटिंग करेंगे, बराबर नॉट करके जो जैसे ये बॉबिन खाली हो जाएगा तो तुरंत ये बॉबिन शुरू हो जाएगा, बराबर। तो इसमें जो हम यहाँ पे कर रहे थे कि ट्रॉली पे हमको क्या करता है, ट्रॉली को बाहर निकालना पड़ता है फिर अंदर डालना पड़ता है, वो टाइम यहाँ पे बच जाएगा, बराबर। अब चलते हैं हम तीसरे क्लिप पे, सीवेल फ्रेम क्लिप, क्या है सीवेल फ्रेम क्लिप, बराबर ये भी सिमिलर टू मोबाइल क्रील जैसा ही है। दिस टाइप ऑफ द क्रील वॉज डिजाइन एज द वेरिएशन ऑफ द मोबाइल, इसमें क्या क्या जो मोबाइल क्रील में उसमें क्या क्या हमने मॉडिफिकेशन किया है, बराबर। तो आगे समझते हैं, टू अनेबल द क्रीलिंग ऑफ द बॉबिन बीच ओविंग टू देयर हैवी वेट, यहाँ पे क्या होगा, जो हमने बॉबिन है जो उसका वजन 5 से 25 kg है उसके लिए क्या होगा, सीवेल फ्रेम, 5 किलो से कम होगा तो उसमें क्या हो गया, हम मोबाइल के लिए यूज कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी पिन ऑन ट्रॉली, बराबर ये क्या है, भारे बॉबिन होते हैं तो हम ट्रॉली पे बार बार डाल नहीं सकते, बराबर उसके लिए क्या होगा, सीवेल फ्रेम क्लियर होगा। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया वो भी समझे, इच बॉबिन होल्डर इज डबल साइड, इच बॉबिन होल्डर में क्या होगा, डबल साइड होगा, क्या होगा, डबल साइड होगा, जहां से हमने फिगर में दिखाया गया एक बॉबिन इधर है दूसरा बॉबिन इधर। The threads are unbound from the one side while a new series of the bobbin is crealed up on the other side, बराबर यहाँ पे बॉबिन जो अनबाउंड हो रहा है, बराबर यहाँ से अनबाउंड हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे क्या किया हमने, दूसरा बॉबिन क्या किया है, ने क्रिल पे डाल दिया है, बराबर ये क्या होगा, ये फ्रेम पूरा घूमता होगा, बराबर मोबाइल क्रिल में नहीं घूम रहा था, इसमें क्या होगा, पूरा घूमेगा, यहाँ पे नई ट्रॉली है, यहाँ ट्रॉली निकाल दिया गया है, बॉबिन सिर्फ क्रिलअप किया गया है, बराबर ये मुंह होगा, ये जो एंटी हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्रिलअप हो जाएगा, उसको लेके हम क्या करें, थ्रेडिंग करके उसको वार्पिंग लिंक चालू कर सकते हैं, बराबर। हम समझेंगे लास्ट वी शेप के, बराबर तो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, बराबर यहाँ से क्या होगा, चलेगा यहाँ पे एंटी बॉबिन आएगा, बराबर। तो हम पहले ये बॉबिन को समझ लेते हैं, बराबर। दिस क्रिल इन वी शेप, therefore this क्रिल कॉल एज अ वी शेप, ये किसका शेप कैसा है, वी टाइप का है, उसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वी शेप क्रिल, बराबर। इन दिस क्रिल वार्पिंग इज कैरिड आउट फ्रॉम द आउटर साइड, बराबर यहाँ पे क्या होगा, जो थ्रेडिंग है, बराबर जो वार्पिंग होता है वो कहाँ होगा, आउटर साइड, बराबर यहाँ पे रिजर्व बॉबिन होगा, यहाँ पे रनिंग बॉबिन होगा, समझ गए, बराबर है? तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, आउटसाइड यूजिंग ऑलरेडी किल ऑफ द बॉबिन, बराबर यहाँ पे क्या क्या गया हुआ है, वर्किंग प्रोफेशन से यहाँ पे क्या गया, किल ऑफ द बॉबिन किया गया हुआ है, बराबर। इन दिस क्रिल द यान लॉट कैन बी चेंज बाय सिंपली पुशिंग अ बटन, ये क्या होगा, अब एक बटन दबाएगा तो ये घूमने लगेगा, ये अंदर आ जाएगा, बराबर और ये बॉबिन क्या होगा, बाहर चला जाएगा, ऐसी सिस्टम होगी यहाँ पे, ये बॉबिन अंदर आ जाएगा, ये क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा, बराबर ऐसे रोटेटिंग होगा, बराबर। वी स्टार्ट द इलेक्ट्रिकली ड्राइव फ्रॉम द चेन, बराबर है, इलेक्ट्रिकली ड्राइव दिया गया होगा, वो चेन 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 सिस्टम से ड्राइव होगा। द एम्प्टी बॉबिन मूव टूवर्ड्स द इनसाइड, अब क्या होगा, ये जो बॉबिन खत्म हो जाएगा वो क्या होगा, इनसाइड मूव होगा, क्या होगा, इनसाइड मूव होगा,
एंड द क्रिल द फुल बॉबिन टुवर्ड्स आउटर। अब क्या होगा, ये अंदर आएगा तो ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। बराबर, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बेल आइटम दबाना मत भूलिए मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।